24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आज के ताजा खबरों पर एक नजर। प्रशासन के कड़ी चैक्षी के बीच मतदान संपन्न, जोड़ घटाना को लगाने में जुटे प्रत्याशी। खबरें विस्तार से। कुशीनगर जनपद के लोकसभा क्षेत्रों में आज रविवार को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक कड़ी धूप के चलते मतदान धीमी गति में चलता रहा। यही प्रशासनिक अमला सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जायजा लेते रहे। छिटपुट झड़प ईवीएम की थोड़ी बहुत खराब को छोड़ यह चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। इस चुनाव मैदान में 3 प्रत्याशियों से कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार दुबे, गठबंधन प्रत्याशी नथुनी कुशवाहा व कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह से कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बूथों पर सुबह ज्यादा भीड़ देखी गई है, लेकिन ज्यों ज्यों तापमान बढ़ता गया लोग वोट देने आने से परहेज करने लगे और शाम को 4 बजे से मतदान ने गति पकड़ लिया और मतदान का प्रतिशत बढ़ने लगा। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार 6 बजे शाम तक वोट पोल हो सका था, जबकि खबर यह भी है कि अभी कई जगह बूथों पर मतदान का क्रम जारी था। इस बार देखा गया कि मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना मत देकर वहां से वापस हो गए। अधिकांश ने यह बताने की कोशिश नहीं की किस पार्टी को मत देकर आ रहे हैं। मतदान के क्रम में वोटों का प्रतिशत ज्यादा दिखाए, कहीं आगे गठबंधन तो कहीं आगे भाजपा दिखाई दे रहा था तो कहीं कांग्रेस। सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। 23 तारीख को इसका फैसला मतगणना के बाद हो जाएगा। आज मतदान समाप्त होते ही प्रत्याशी व समर्थक जोड़ घटाना लगाने में जुट गए हैं और उप 3 प्रत्याशी अपने गणित के हिसाब से अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। तमकु ही राज प्रतिनिधि के अनुसार प्रशासन के सूझबूझ व कठोर कार्यवाही के चलते चुनावी समर के अंतिम तथा 7वें चरण में चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया, जिस पर प्रशासन ने राहत की सांस लिया और लोगों को शांतिपूर्ण रूप से चुनाव को संपन्न कराने में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। उल्लेखनीय है कि चुनावी समर के अंतिम चरण में जहां लोगों एवं मतदाताओं में पोलिंग को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म था, वहीं प्रशासन की पहल भी सराहनीय रहा और प्रशासन के अथक परिश्रम से चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा विकलांग व वृद्ध मतदाता का सहयोग करके लोगों के दिल पर अपनत्व व प्यार का छाप छोड़ गया, जो सोशल मीडिया के चलते चारों तरफ चर्चा का विषय बना रहा। वहीं अति संवेदनशील तथा संवेदनशील समझे जाने वाले बूथों पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें देखी गई और लोगों ने 55% मतदान किया। वहीं खड़ा प्रतिनिधि के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही टेंट लगाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से नारायणपुर में टेंट की व्यवस्था नहीं, धूप में खड़े रहे वोटर। नारायणपुर में बूथ पर स्वच्छता अभियान के तहत न सफाई न शौचालय सभी ड्यूटी कर्मियों को असुविधा हुई और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। वहीं विजयपुर में प्रशासन ने अच्छे व्यवस्था इंतजाम किए थे, टेंट और पानी व बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। वहीं खड़ा में मतदान के प्रति जागरूक लोगों ने चिलचिलाती धूप में छाता लगा करके अपने मत का प्रयोग करने मत स्थल तक आए। आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट। KK News 24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आइए आज के अंतिम चरण के चुनाव में कुशीनगर लोकसभा में किस किस प्रत्याशियों ने अपना भाव दिखाया, किन किन प्रत्याशियों के पाले में जनता ने अपना मत का प्रयोग किया, यह तो 23 तारीख को अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन आज जनता ने खुल करके मतदान किया है और अपने अपने प्रत्याशियों को भरपूर कोशिश करके जिताने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं कुशीनगर के पडरौना लोकसभा से सुनील तिवारी की रिपोर्ट। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में आज रविवार को 7 विधानसभाओं में मतदाताओं ने किया, जिसमें लगभग अभी तो पूरी तरह से वहाँ से कंट्रोल रूम से सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 55 और 60 के करीब जो है वोटों की पोलिंग जो है यहाँ हुई है। इस रण क्षेत्र में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, एनपी कुशवाहा और भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे। अब यह देखना है कि इस चुनाव में किसके पाले में यह चुनाव और ये जीत किसके पाले में जाती है, क्योंकि तीनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा टक्कर हो रहा है यहाँ, और तीनों प्रत्याशी कड़े टक्कर में यहाँ चुनाव मैदान में जो है, जिस तरह आज वोट पड़ा है उसे लगा है कि तीनों प्रत्याशी जो है
अच्छे मत पा रहे हैं, इससे यह अनुमान लगाना जो है गलत हो रहा है कि आखिर किसमें टक्कर हो रहा है। इसलिए तीनों प्रत्याशी इस चुनाव में जो है अच्छी तरह से अब मजबूती से लड़ रहे हैं। अब ये परिणाम अब 23 तारीख को ही सामने आएगा कि कौन जो है कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से अपना सांसद प्रत्याशी का विजय पताका फहराने में कामयाब होता है। सुनील कुमार तिवारी, KK News 24।